जनपद संभल के चंदौसी में नगर पालिका का गठन 8 जुलाई 1863 को हुआ था, जिसके अंतर्गत आज 8 जुलाई 2023 को नगर पालिका परिषद चंदौसी के स्वास्थ्य विभाग में पालिका के 160वें स्थापना दिवस के अवसर पर पालिका अध्यक्ष लता वांछड़े व अधिशासी अधिकारी आर के भार्गव द्वारा संयुक्त रूप से केक काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष लता वार्ष्णेय द्वारा सभी सम्मानित सभासद गणों एवं पालिका स्टाफ को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गई एवं लोगों से अपील की गई कि वे पालिका के कार्यों में अपना अपना सहयोग प्रदान करें, हाउस टैक्स वाटर टैक्स समय पर जमा करें, कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। 160वें स्थापना दिवस के मौके पर आपने केक काटा, क्या कहेंगे? जी मुझे हम लोगों को पता चला कि 160वें स्थापना दिवस है, तो हमने कहा सेलिब्रेट करेंगे। मुझे यहाँ पर आके पता चला कि कभी होता नहीं था ये, और सब लोग बहुत खुश हैं कि चलो इस बहाने एक हम लोग मिले आपस में और एक दूसरे को जाना पहचाना, और हर साल मनाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे नगर वासियों को? संदेश ये देना चाहूँगी कि ये छोटे मोटे जो खुशी के पल होते हैं, अगर हम लोग सब लोग इंजॉय करेंगे तो एक दूसरे को खुशियाँ मिलेंगी, एक दूसरे को एक दूसरे का रेस्पेक्ट होगा और मेलजोल बढ़ेगा एक दूसरे से। देखिए भैया, प्लास्टिक मुक्त अभियान हर साल चलता है, जब तक मेरे से नहीं होगा, अकेले से, जब तक इस जनता सहयोग नहीं करेगी, जब तक जनता खुद सहयोग नहीं करेगी, जब तक जनता का सोच लेगी कि हमें नहीं अब ये पॉलिथिन यूज नहीं करनी है, तो तभी ये संभव हो पाएगा। और बस जनता से मैं निवेदन कर सकती हूँ कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाए और अपने देश को बनाए, अपनी चंदौसी को बनाए, अपने घर को बनाए, अपने मोहल्ले को बनाए, तो इससे सारी समस्याएं जो हैं सारी निजात हो जाएगी। और बस और सफाई भी जो है सुचारू रूप से होगी, क्योंकि तो वही अटकती है थैलियाँ वगैरह अटकती हैं, उसी से जो रुकावट होती है सफाई में, तो कुछ हद तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही इस संदेश देना चाहूँगी कि शहर को एक साफ सुथरा और चांसा बनाने में मेरा सहयोग करें, क्योंकि सड़कों पर जो पानी भरता है वो प्लास्टिक की पॉलीथीन और डिस्पोजल जो होते हैं उनकी वजह से भरता है, और हम लोगों की नगर पालिका की तरफ से पूरी तैयारी तली हार सफाई सारी हो चुकी है और हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन उसमें क्या होता है, जो अवैध कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, अवैध कब्जे के कारण जो इधर से सफाई हो गई उधर से सफाई हो गई, जो अवैध कब्जा है वहाँ पर जो कूड़ा भरा रहा है।